हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट के जो जूनियर के पेपर के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। मैंने 9 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा है सेट नंबर 10 और ये 2 वीडियोस और बची हुई हैं जिसमें 2011 के जो पेपर है जूनियर के वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं सी टेट के 2011 के जो पेपर होंगे मैथ के क्वेश्चन जूनियर के उनको करवाऊंगा और इस तरीके से मैं इन सारे क्वेश्चंस को आपको करवा रहा हूँ। तो अगर आपने वीडियो को सॉरी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे आपको ये सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि जूनियर लेवल में कौन से क्वेश्चंस हैं। चलिए तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, एक 4.85 मीटर लंबे खंबे को 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग की लंबाई बताइए। यानी कि अगर कोई खंबा है उसे 5 पार्ट में हम ठीक है तोड़ेंगे तो वो कितना होगा। ठीक है, तो प्रत्येक की लंबाई जो है ये लेंथ कितनी होगी ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं कि क्या करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बाद मैं लिखता हूँ प्रत्येक भाग की लंबाई। तो लंबाई पूरी टोटल कितनी है हमारी, 4.85। कितनी है, 4.85। इसे हमें किससे डिवाइड करना है, कितने भाग में डिवाइड करना है, 5 भाग में। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 भाग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ मैं 4.85/5। देखिए अभी आपको ये डिवाइड करना है तो आप कुछ लोग पॉइंट्स को देख के डिवाइड कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि ये पॉइंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पॉइंट्स आप यहाँ से हटा दीजिए। आपने हटा दिया, अब देखिए 4, 5, 9 = 45 कितना हो गया, 5, 9 = 45। 45, 48 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 35। तो 5, 7 = 35 क्या हो जाएगा, 5, 7 = 35। एक बार फिर से करता हूं, देखिए 5, 9 = 45 उसके बाद यहाँ पे 3 बचा, 3 यहाँ गया, 35 हो गया, 5, 7 = 35। आपका आंसर कितना है, 97। लेकिन क्या 97 आपका सही है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पॉइंट था। पॉइंट कितने अंकों के बाद लगा है, 1, 2। तो आप 1 और 2 अंकों के बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे 0। तो जो एक भाग की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 0.97 मीटर। क्या होगी, 0.97 मीटर। तो दोस्त ये हो गया पहला क्वेश्चन, अब उसके बाद हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका 2011 में आया हुआ है और मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि जितने भी पेपर्स होते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे आपके नए क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x^3 = क्या होगा, इसका आंसर हमें बताना है। उसके बाद x की वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, x = 5। यानी कि हमको क्या करना है, जो x है तो x की जगह पे हमें क्या रखना है, 5 रखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 × 5³ = कितना आएगा। अब देखिए 2 × 5³ का मतलब क्या होता है कि 5 की मल्टीप्लाई होती है आपकी 3 बार, कितनी बार होती है, 3 बार। तो ये कितना आएगा, 125। क्या आएगा, 125, 5 × 25 = 25, 25 × 25 = 125। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 125। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 125 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 250। क्या आएगा, 250, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था, 0.97 मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ का जो आंसर है वो है 250, यानी कि 250। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियोस नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि सर हमें ये वीडियो समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करवा दूंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए,
जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहे। और रोज एक वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ शाम में, तो आप लोग जरूर देखा करिए वीडियो को। और यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड फाइनली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर जरूर कर दीजिएगा।